प्यारे साथियों, आज हम सीखेंगे कि गूगल डॉक्यूमेंट में वॉइस टाइपिंग कैसे की जा सकती है। वॉइस टाइपिंग का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे साथ साथ गूगल डॉक्यूमेंट में टाइप होता जाएगा। आपको हैरानी हो रही होगी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी होती है और हमें कुछ फटाफट से टाइप करके देना है, तो हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कभी कभी जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, क्लास में डिस्कशंस होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं, और हमें जल्दी से कुछ कुछ एग्रीगेट करना है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो साथ साथ बोलते बोलते हम उसको टाइप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नमूना कैसे किया जाता है गूगल डॉक्यूमेंट में वॉइस टाइपिंग। तो सबसे पहले आप गूगल डॉक खोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने गूगल डॉक्यूमेंट ओपन किया है, और मेन्यू बार में आपने जाना है टूल्स पर। टूल्स को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा वॉइस टाइपिंग। इसे क्लिक करें। जैसे ही आपने वॉइस टाइपिंग क्लिक किया, आपने क्या नोटिस किया कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक माइक्रोफोन सा ओपन हुआ है, ये ब्लैक कलर का, और नीचे वहां लिखा है क्लिक टू स्पीक, और ऊपर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें आप भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस भाषा में टाइपिंग करना चाहते हैं। तो देखिए कितनी सारी भाषाएं उपलब्ध हैं। तो मैं टाइपिंग करना चाहूंगी हिंदी भाषा में, तो मैंने हिंदी भाषा का चयन किया और यहाँ पर हम तैयार हैं। तो देखिए अब साथ साथ जो हम बोलेंगे वो टाइप होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने ये माइक्रोफोन जो काले रंग का ये बटन है इसे दबाना है। अब हम जो भी बोलेंगे वो साथ साथ टाइप होगा। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के दौरान गूगल डॉक्यूमेंट में वॉइस टाइप टूल का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। वॉइस टाइप टूल गूगल डॉक्यूमेंट के मेन्यू में टूल्स सेक्शन में अवेलेबल होता है। जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे गूगल डॉक्यूमेंट में टाइप होता जा रहा है। जब भी कभी आपको कुछ नोट्स लिखने हैं या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, डिस्कशन करना है, और कुछ पॉइंट्स को डॉक्यूमेंट में टाइप करना है, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना आसान गूगल डॉक्यूमेंट में टाइप करना। और आपने नोटिस किया कि हम गूगल डॉक्यूमेंट में विभिन्न भाषाओं में टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग को रोकने के लिए हम इस माइक्रोफोन को दोबारा से दबाएंगे और टाइपिंग रुक जाएगी। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने कितना बड़ा पैराग्राफ टाइप कर लिया। आशा करती हूँ आप भी इस टूल का इस्तेमाल करेंगे और अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फ्रूटफुल और एंजॉयबल बनाएंगे। हैव ए नाइस टाइम।